तो भाई अभी रुके थे रास्ते में हम हिरण देखने, हिरण की आवाज आ रही थी। श्रीनगर वासियों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका रावत परिवार यूट्यूब चैनल में, और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है श्रीनगर शहर से, तो हम हो चुके हैं रेडी क्योंकि अभी हमें जाना है डांडा नागराजा मंदिर, तो जो स्थित है पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल। और एक मैडम ने रील्स वील्स कंप्लीट कर ली है, तो उतनी देर से हम इसकी रील्स ही बना रहे थे, और जब हमारी रील्स बनाने की बारी आई तब जाने का टाइम आ गया। तो मतलब इसने अपना सारा काम करवा दिया हमसे, और हमारा अभी इसने एक रील्स भी नहीं बनाई। अभी हम जा रहे हैं, मेरी बुआ ने कुछ छोटी सी क्यारी बनाई है, और ये कह रहा है कि ये है कंडली, मतलब बिच्छू घास, कह रहा है किस पे लगानी है। तो हाथ डेरिंग डेरिंग मैंने लगा रही, मैं लगा रही ना, अरे ये है ना, ये दिखाती हूँ बुआ की छोटी सी क्यारी। यार यहाँ ना आड़ू आम इतनी सब चीजें लग रही हैं। ये बुआ ने पुदीना लगा रखा है, इतना सारा पुदीना हो रहा है। ये लौकी क्या है, ये लौकी का पेड़ लगा रखा है बुआ ने, बेल सब लगा रखा है। ये खीरे का पेड़ है, खीरे की बेल है मतलब। और यहाँ देखो कितने सारे नींबू है, क्या है ये नींबू गिरे हुए हैं, बेल गिरा हुआ है, आम लटके पड़े हैं यहाँ। ये देखो दोनों दोनों भाई बहन यहाँ से जा करे। हेलो हेलो टाइम। अब मम्मी बैठी हुई है, देखो मम्मी को एक कितनी चार क्या एक गाना गाओ जरा, मेरे फौजीदार ड्यूटी पर मामा जी तक पहुंचाएंगे हम ये बात। और ये कर रहे हैं ग्रुप में फोटो शेयर। चलो भाई चलते हैं हम अपने अगले सफर के लिए, आते बुआ शाम को। हाँ अंकुर भाई बोल रहे हैं, अंकुर भाई बोल रहे हैं शाम को आना। अरे यार ये करती पूजा मेरी नानी के आओगे तो अर्चे खिलाएंगे, अर्चे अब टाइम नहीं है। ये देखो भाई यहाँ की लोग बनाते हैं, अभी हम इस टाइम पे आए हैं कि जल्दी जल्दी में, तो अभी कोई बना नहीं पाएगा, अब तक खर्चा करके दोबारा आएंगे। हाँ भाई अभी रुके थे रास्ते में हम हिरण देखने, हिरण की आवाज आ रही थी, बट अब हिरण चले गए नीचे। अभी हम बीच रास्ते में रुके हुए हैं, तो थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पे। भाई ठंडा इतना लग रहा है ना, बहुत ज्यादा। बाबा जी को देखो अपने पुराने दिन याद कर रहे हैं, पहले तो काम करने के लिए चढ़ते थे, अब फोटो खिंचवाने के लिए चढ़े। देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये रास्ता नहीं है, तो ये ऐसे ही रास्ता होता है यहाँ। पत्ते फिसलने के आगे और हम जा रहे हैं नीचे को, ये देखो ये कैसे जा रहे हैं, पैर फसा फसा के चलना होता है। पत्ते ही तो फिसल रहे हैं, ये जो चीड़ के हुई है ना ये फिसलन वाले होते हैं यहाँ। यहाँ हिरन दिखा था, नीचे तक आके देखना भाई, हिरन तो दिखा नहीं, हम वापस जा रहे हैं ऊपर को। ऊपर से कह के मेरे को भी जाना है। सुना हिसर देख के पागल हो रही है, जहाँ पे भी हिसर दिख रहा है, ओ भाई रोको गाड़ी रोको, हिसर खाने हैं। गाड़ी से बाहर जाने को तैयार हो गई है। तो पहुँच चुके हैं हम डांडा नागराजा मंदिर, और पता चला है यहाँ पे कि आज भंडारा भी है इधर। गाड़ी
तो चलते हैं आगे, यहाँ से शुरुआत है जाने की। तो यहाँ से शुरुआत हो रही है। यहाँ से मंदिर के लिए हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है, तो हमें आइडिया नहीं है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ कि कितना ट्रैक है, बस चल रहे हैं अभी। और जो पहले आए हुए हैं उन्होंने कुछ बताया नहीं हमें। मंदिर परिसर की एंट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। इस मंदिर का नाम है डांडा नागराज। देखो सबने यहाँ पे घंटियाँ चढ़ा रखी हैं, सब अपनी मन्नत मांगते हैं और ताले भी लगा रखे हैं। तो यहाँ उत्तराखंड में हर मंदिर की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सब लोग अपनी श्रद्धा से यहाँ आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ ये चढ़ाई जाती हैं घंटियाँ वगैरह। बहुत अच्छा है और बहुत शांत माहौल है यहाँ का। तो अभी वहाँ पूजा के लिए लाइन लगी हुई है, तो अब जा रहे हैं हम अंदर पूजा करने के लिए। तो यहाँ दर्शन करेंगे हम, अभी भीड़ लगी हुई है थोड़ी सी। यहाँ से जा रहे हैं अभी, देखते हैं मंदिर के परिसर में क्या क्या है। और यहाँ बनेगा कुछ, शायद धर्मशाला बनेगा, अभी काम चल रहा है। और भाई साहब घटाएं छा गई हैं, बरसात हो रही है, वो हो रही है बरसात। यहाँ सच में मौसम को कोई पता नहीं है, यहाँ धूप हो रही है और उधर पूरी घटाएं छा रही हैं। बैठने का भी कितना अच्छा बना रखा है यहाँ पे, देख रहे हैं ये। छोटे में भी नहीं है, छोटे में भी नहीं है। आगे चलते हैं और पूरा भ्रमण करवाते हैं आपको। तो सच में यहाँ तो और भी अच्छा है। चारों तरफ पहाड़ और बीच में मंदिर। कुछ देर पहले यहाँ पे धूप थी, अब देखो धूप गायब, बादल छा गए। और ये है जो दुकान, यहीं पे है मंदिर परिसर के अंदर, ये आशीर्वाद फास्ट फूड सेंटर। तो यहाँ पे बैठ के हम करेंगे अभी नाश्ता। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इनके पास सारी चीज़ अवेलेबल है, जो जो आप खाना चाहो। निधु और निशु ने उठाया है। फटाफट मुंह खोलो। दुकान में ए टू जेड सारी चीज रखी हुई है, मेकअप के सामान से लेकर बच्चों के खिलौने तक, सब के सब सामान रखा हुआ है यहाँ पे। सिंदूर सब भैया जी ने सब रखा हुआ है यहाँ पे, बिंदी बिंदी माला वाला सब। मम्मी कर रही है शॉपिंग। ये सब है, मैं डर गई अभी। ये किसी का निशाना है यहाँ पे।
अच्छे से कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं घर को। बकरी मिल गई, ले 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 आवा वेट करा ले ले। मैंने बोला यहाँ ठंडी नहीं होगी और इतनी जल्दी मौसम बदल गया, यहाँ ना हम जैकेट लाए ना हम शॉल लेके आए, अब बारिश हो गई तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। सुबह इतनी ठंड लग रही थी और उस पहाड़ी में बारिश हो रही है, कहीं धूप हो रही है, कहीं छांव हो रही है, कहीं बारिश हो रही है, यहाँ पे हो रही है इतनी ठंड, शॉल ओढ़ ली है और बहुत काला काला हो गया है बिल्कुल। और यहाँ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ये, कोल्ड ड्रिंक और नमकीन खोल रही है। यहाँ पे आवाज़ सुनो मम्मी की, नहीं पंछी की, लो पापा जी ले देखो सब आ गए। यहाँ देखो दालू चकना चल रहा है, यहाँ ले लो मुँह पड़ी है जी। क्या नजारा है, डरपोक आए डरपोक, सारे के सारे बाहर घूम रहे हैं और ये कह रही है कि कुछ आ जाएगा तो वाओ सबके गिलास पकड़ना है, सबके सबके गिलास पकड़े मतलब ऐसे। हाँ फोटो खींच रहे, मैं फोटो नहीं खींच रही, ये देखो ये सारे के सारे पोज बना के फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे। फोटो नहीं आ रही, गिलास आ रहे हैं। आप सब एक नमकीन का पैकेट लाए थे? हाँ एक नमकीन का, देख टिप्स का तो एक उसका बा एक ने नब्बू निकाल लिया। फोटो खींचे लटक रहे हैं, पापा जी झूला झूल रहे हैं, पाजी टूट जाएगा वो, ये एक ही मान पापा जी को देखा। चलो चलो बारिश आने वाली है, इंतजार कर रहे हैं शेर का, रोड पे बैठ के फोटो खींचवा। पर हाँ यार सही बोल रहा है, सुनो ये बाघ देख के आ रहे हैं। तो फोटो शूट करवा के निकल चुके हैं आगे के लिए, भैया ठंडा बहुत हो गया। अब निशूल पेड़ में लटक रही थी, कहीं बाघ ढूंढने जाती है, बाघ दिखा नहीं। देखो भैया तीनों ने नौटंकी कर रखी है, बच्चे बैठ गए बेचारे आगे बैठे हुए तो बहुत जरूरी है, हम आगे वालों को एंटरटेन कर रहे हैं। वाह ये एक घंटा सो जाते हैं, पांच मिनट उठते हैं और बाहर का मौसम देखो भाई साहब, चहर दोस्तों हमें रास्ते में अब बारिश हो रही है, पौड़ी पहुंच चुके हैं और अभी हमें करना है लंच। यहाँ का हमें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कहाँ पे करें और कहाँ पे नहीं करें, तो अभी देखते हैं। वैसे बारिश भी लगी हुई है, पौड़ी का मौसम सामने देख रहे हो, कोहरा आ रहा है, कोहरा वो पूरा कोहरा है, बिराल ये बिराल का फूल है, बर्फ के फूल लगे हैं इस पे। आ गए भैया घूम के,
पहुंच चुके हैं श्रीनगर दोबारा हम, और अभी बज रहे हैं 4। मैंने देखो पूरे रास्ते सोते हुए, क्या हुआ? कुछ नहीं, टेढ़ा हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो भाई आज शायद हम यहीं रुकेंगे और कल सुबह जाएंगे। बहुत थकान हो रही है। कहाँ जाएंगे, क्या नाम है? टपरारी। टपरारी नहीं, पहले खंदुखाल, खंदुखाल फिर वहाँ से जाएंगे टपरारी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई अभी हो रहा है टाइम 6 और मौसम देखो बाहर का, बारिश के बाद ये बादल ही लग रहे हैं ना। ये बादल ही है, बादल है, बादल ठंडा लग रहा है। फूफो को ठंड लग रही है, देखो फूफो यहाँ बैठी है, यहाँ देखो नजारा देखो है, यहाँ बैठ के सब मजे ले रहे हैं। उस देखो पीछे से पापा निशा जी, मैं देखो वो निशा बुलमुख कर रही सारे बारिश का मजा ले रहे हैं। अभी बारिश बंद हो गई थी, फिर से चालू हो गई है। हेलो गाइस, बोलो क्या, ये क्या होता है? श्रीनगर वासी हो, बोलो श्रीनगर वासी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब किसको? रावत परिवार को। रावत परिवार को। जरा हम तक तकफुटे जाना घूमू श्रीनगर में। क्या खत्म? ये इतनी चालू है इतनी देर से, तो सारा सामान लेके आई, चिप्स वगैरह हैं, और अब घर आके इनको पकड़ा दिया कि पापा जी डांटे ना इसको कि इतना सारा सामान लेके आ गए फिर से, और मेरे मुंह में हो रहा छाला जीभ में, बोला भी नहीं जा रहा ढंग से। ये देखो बुआ बांट रही है यहाँ पे सारा खाना, खाना मतलब क्या क्या लाया है भाई? मोमो ला रखा है, पनीर वाले खत्म हो गए, और जलेबी ला रखी है, मोमो जलेबी और चाउमीन ला रखा है, चाउमीन बस 3 चीज आई है। तो इतना अब खाते हैं ये, और रात को फिर खाना नहीं खाएंगे हम। मोमो आए, मोमो ये है श्रीनगर के मोमो। लड़की देखो कंबल रोड के बाहर ठंड में नाटक देखने आई है। हाँ भाई अंदर नेट नहीं आ रहा यार, अंदर नेट नहीं आ रहा यार, खुले पैसे नहीं है यार, कल आना। इनका नेट नहीं आ रहा, बाहर बैठ गए। ये लड़की ने मना कर दिया शादी से, कंबल उम्बल ओढ़ के खाने का हो रहा है टाइम, बज रहे हैं अभी 9 और ये बैठे हैं बाहर बस अपना नाटक देखने के लिए। ठंडा हो रहा है, चलो भाई तुम देखो नाटक, हम खाते हैं खाना, यहीं बैठे हम खाना खा के सो जाएंगे। हाँ इसे यहीं रहने देंगे।